हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव कि आप सब बेहतरीन होंगे। मैं भी बेहतरीन हूँ। सुबह सुबह उठे हैं, 8 बज गया है, 7 बज गए, 6 बज गए, बोला मोबाइल देख लेते हैं। चलिए, मोबाइल पे सबसे पहले तो फेसबुक देखते हैं। फेसबुक देखा, ओके, राम का बर्थडे है, श्याम गोवा गया है, मोहन खुश है। ओ, ये क्या है? रणबीर और दीपिका का एक अच्छा वीडियो आया है, चलो देखते हैं। था फेसबुक को पता होता है आपका इंटरेस्ट क्या है। ओके, वीडियो देखा, वीडियो तो बढ़िया है। उसके नीचे चार अलग अलग वीडियोस हैं। रोहित शर्मा और उसकी वाइफ यहाँ घूमने गए हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, तो मुझे बराबर आता है कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को ऐसा जवाब देने वाले हैं। देखिए ये वीडियो, मैंने वीडियो देखा, उसके नीचे आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का 2 साल पुराना 6 साल पुराना वीडियो आता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एकदम तरीके से बोल रहे हैं। उसके नीचे अमित शाह धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, यार पाकिस्तान वाला तुम्हारी वाट लगा दूंगा। उसके नीचे कुछ और वीडियो आता है, और ये सब देख के मेरा 1 घंटा खराब। उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो इंस्टाग्राम देखते हैं। सर, इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत अच्छी फोटोज़ हैं। मैंने इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी फोटोज़ थी। कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया वो देखा, मैंने कितने लोगों को फॉलो किया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मैंने वो भी देखा। फिर इंस्टाग्राम ने मुझे बताया दुष्यंत, अमेजोन पर बहुत अच्छा सेल आया है, जो 6,000 वाला परफ्यूम था वो अभी 4,000 का ही मिल रहा है, दुष्यंत खड़ाक से वहाँ पर लिंक से गया। इंस्टाग्राम को पता है मुझे शॉपिंग में क्या क्या पसंद है। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने चेक किया, अरे बाप रे बढ़िया सेल आया है। फिर अमेज़न वाला ही बहुत चालू है। तो जब मैं परफ्यूम लेने के लिए, फाइनल करने के लिए गया, तो उसने बताया कि भाई देखो 6 अलग अलग परफ्यूम है, जूते भी है, चप्पल भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है, सबके ऊपर तरीके से डिस्काउंट है। मैंने वहाँ पर भी देखा और मेरा 1 घंटा फिर से खत्म हो गया। फिर मैंने अमेज़न पर जो चीज़ें पसंद आई थी उसको प्राइस कंपेयर किया मैंने फ्लिपकार्ट से, ओके यहाँ पे और अच्छी चीज़ हो गई। फिर मैंने बोला चलो यार क्या कर रहे हैं आप, फिर मैंने होम स्क्रीन पे आ गया, व्हाट्सएप देखना है। सो व्हाट्सएप देखा तो हो, जिस मेरी चहेती का मैसेज आया है, चलो देखते हैं क्या कर रही है वो, हाय हेलो कर दिया। उसके बाद 4-5 लोग स्क्रॉल किया ऊपर नीचे, स्टेटस चेक किया 10 मिनट, अरे बाप रे शर्मा जी ने नई गाड़ी खरीदी है। 10-15 मिनट मेरे वहाँ गए, फिर से मैं घूम फिर के होम स्क्रीन में आ गया। बोले चलो कोई गेम खेल लेते हैं, तो पबजी के दीवाने वहाँ पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। टाइम थोड़ा सा गया, फिर यूट्यूब देख लिया, अरे यूट्यूब पे दुष्यंत सर का मैं मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो देखने का काफ़ी मोटिवेट हुआ। उसके नीचे 6 लोग और थे, आपने लिखा था कि आप यूट्यूब को पता है कि आपका इंटरेस्ट सी एस कोर्स में और सी एस के स्पीकर्स में, तो उसने 6 स्पीकर्स और डाल दिए। तो आपने देखा कि यार दुष्यंत जैन सच में अच्छा है या नहीं है, वो चेक करते तो आपने 6 लोगों का सुना, किसी का 1 मिनट सुना, किसी का आपके 15-20 मिनट फिर से ख़राब हो गए। फिर आप वापस से होम स्क्रीन में आ गए। होम स्क्रीन में आने के बाद आपने बोला अरे यार टेक्स्ट मैसेज तो मैंने चेक किया ही नहीं। तो टेक्स्ट मैसेज जब आपने चेक किया, तो आपको एक मैसेज आया कि भाई HDFC बैंक ने आपके अकाउंट से 20 रुपये एक्स्ट्रा काट दिए हैं। तो आपका बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। फिर आप HDFC की गूगल पे गए और आपने चेक किया कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कैसे कट जाते हैं। बच्चों आप ये सब समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक ट्रैप है, और हम क्यों नहीं समझ पाते ये डिस्काउंट, ये ऑफर्स और ये दुनिया भर की चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए बनाई गई है, हमारा टाइम छीन रहे हैं। दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज़ अगर हमारे पास है तो हमारा टाइम है। ये 2 कौड़ी के डिस्काउंट के चक्कर में और बाकी चीज़ों के चक्कर में वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अब सर हम मोटिव, हम ये नहीं देखेंगे तो हम आपको आपसे कैसे मिलेंगे? बच्चे मुझसे मिले ना मिले, डेफिनेटली आप मिलते तो मेरा सौभाग्य है, बट प्लीज़ 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 आज ही अपने फ़ोन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी गेम है सब डिलीट कर दीजिए। व्हाट्सएप रखिए, व्हाट्सएप थोड़ा सा यूज़फुल होता है, बट व्हाट्सएप में भी बहुत लिमिटेड कॉन्टैक्ट ही रखिए। बच्चों आपको नहीं पता हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो रही है। बच्चों प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर दीजिए, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। बच्चों हम लोग भी स्टूडेंट थे यार, ऐसा नहीं कि हम बिना कपड़ों के घूमते थे और हम बहुत महंगे कपड़े खरीद के घूमते थे। बच्चों आप नहीं समझ रहे हैं ये टाइम वेस्ट है। जब मैं लेक्चर एक लेक्चर लेके जाता हूँ और मैं जब दूसरा लेक्चर लेने के आता हूँ, मैं देखता हूँ सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे किसी इसका वीडियो देख रहे हैं, किसी उसका वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ मत कीजिए बच्चों ये सब, आपने पास टाइम वैसे ही कम है, सिलेबस इतना टफ हो गया है और आप लोग मोबाइल पे इतना वक्त अगर ज़ाया करेंगे तो कैसे हम करियर बनाएंगे, हम एक सुंदर भविष्य और सुंदर भारत का सपना कैसे पूरा करेंगे? बच्चों तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना शुरू कीजिए, अपनी मॉर्निंग को अपने करियर को संवारने में लगाइए। आप देखिए कैसे अपना करियर बनता है और ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। और यस, मैंने जिस वीडियो के ऊपर बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा था डिलीट कर दिया, बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आए कि भाई डिलीट कर दो। और यस, अपनी इंस्टीट्यूट भी अब लेट्स सी, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कार्यवाही होनी चाहिए।
डेफिनेटली जो चीज़ें होंगी, तो मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं। कई लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे तंज कसे कि मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, और अगर ऐसा फिर से होगा दुष्यंत जैन फिर से करेगा, पब्लिसिटी जो मिले वो फ्री है, बट मैं आवाज़ उठाऊंगा, हम पीछे नहीं होंगे, घर पे घुस के मारेंगे, घर पे घुस के मारेंगे मतलब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस।